गुड मॉर्निंग। पार्शल इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, उसमें आप सभी का स्वागत है। सेवन क्लास, आप अपनी हिंदी की बुक निकालें। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रश्न किए थे पार्ट पांच के, आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 27, प्रश्न नंबर 3। पहले किया था प्रश्न नंबर 1 और 2, आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। पहला प्रश्न देखिए, कार्बोज किन किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है? आप इसका आंसर यहाँ ब्लैकबोर्ड पर देखें। कार्बोज हमें गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, आलू, कचालू, गुड़, शक्करकंदी, शक्कर, चीनी तथा शहद आदि खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। कार्बोज किन से प्राप्त होता है? ये सारे जो भी खाद्य पदार्थ हैं, उनसे कार्बोज प्राप्त होता है। दुबले लोगों को कैसा भोजन करना चाहिए? जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें अपने भोजन में घी, तेल व मक्खन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। कहने का मतलब है वसा युक्त भोजन लेना चाहिए उनको। इसके अलावा नारियल, मूंगफली व सोयाबीन की चिकनाई अधिक लेनी चाहिए। दुबले लोगों को चिकनाई के साथ भोजन की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। कहने का मतलब है कि दुबले लोग होते हैं और जो मोटे होना चाहते हैं, उनको चिकनाई के साथ साथ अपने खाने की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, वसा की अधिकता का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? वसा हुई चिकनाई युक्त भोजन, वसा की अधिकता से त्वचा के नीचे, हृदय तथा शरीर के अन्य स्थानों पर वसा की परत जमा हो जाती है, जिससे मोटापा बढ़ जाता है। मोटे लोगों को चिकनाई वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए और मेहनत व व्यायाम करते रहना चाहिए। कहने का मतलब है जो मोटे लोग हैं, उनको वसा युक्त भोजन नहीं करना चाहिए और जो दुबले लोग हैं, उनको घी और तेल खाना चाहिए। विटामिन की कमी से शरीर को क्या क्या हानियां होती है? यदि हमारे शरीर में विटामिन सही ढंग से नहीं जा रहा है, तो उससे हमें क्या नुकसान होता है और हमारे शरीर में क्या कमी होती है? इसका उत्तर आप देखो, विटामिन की कमी से शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, नींद व आलस आता है, भूख कम लगती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, दांत व मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। ये जो भी जितने भी रोग हैं, वो विटामिन की कमी से होते हैं। अगला प्रश्न देखें, स्वस्थ आंखों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है और क्यों? स्वस्थ आंखों के लिए विटामिन ए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से आंखों में सूखापन हो जाता है, आंखों के सफेद हिस्से धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये गलत आंसर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, सविस्तार उत्तर दीजिए। ये चारों प्रश्न आपको खुद करने हैं। यदि इनका आंसर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको इनके आंसर बताऊंगी। प्रश्न नंबर 4 आपका गृह कार्य आप खुद करेंगे। प्रश्न नंबर 5 पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था। अब प्रश्न नंबर 6 निकालें, पेज नंबर 28। सही वाक्य पर राइट तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाएं। पहला देखो, भोजन में शरीर को पोषण देने वाले अनेक तत्व विद्यमान होते हैं। राइट, आप राइट का टिक लगाए, मैंने ब्लैकबोर्ड पे लगाया हुआ है। मांसाहारी लोग अंडे, मांस व मछली का सेवन नहीं करते। मांसाहारी लोग तो खाते हैं या शाकाहारी लोग नहीं करते? तो इसमें मांसाहारी लोग अंडे व मांस का सेवन नहीं करते, तो रॉन्ग, इसमें गलत का टिक लगाए। विटामिन ए जल में घुलनशील होता है। राइट। खनिज लवण से हड्डियां मजबूत होती है। राइट। प्रोटीन, कार्बोज तथा वसा ऊर्जा प्रदान करने वाले वर्ग में आते हैं। राइट। आज आपको 2 प्रश्न मैंने करवाए हैं और 1 आपको होमवर्क में दिया है। ये सारे प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में करेंगे और सैटरडे को मुझे इस चैप्टर की नोटबुक चेक करवाएंगे। थैंक यू।